हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो शूज के ऊपर है कि अगर आप शूज लेना चाहते हैं स्पोर्ट्स शू, जैसे आप 100 मीटर करते हैं, चाहे 1500 मीटर, 1600 मीटर, चाहे आप कोई मैराथन करते हैं, तो किस तरह के शूज हैं वो बेस्ट रहेंगे आपके लिए ताकि एक आप अच्छा परफॉर्म कर पाए अपनी रेस में। किस तरह आप वो सिलेक्ट करें, क्या आपको शू में देखना चाहिए, तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट कर। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं 100 मीटर से लेकर 1500 मीटर, 1600 मीटर या 800 मीटर तक। देखिए, ये आप मेरे हाथ में एक दोस्तों शू देख रहे हैं, इसकी जो सॉल है वो काफी पतली है। ठीक है, जितनी सॉल पतली होती है आपके शू की, उतनी ही अच्छी आपकी स्पीड रहती है, आपकी पकड़ जमीन के ऊपर ज्यादा रहती है। अगर आप 100 मीटर कर रहे हैं, चाहे आप 800 मीटर कर रहे हैं, 1500 या 1600, इसमें क्या होता है, स्टैमिना के साथ साथ आपको स्पीड की जरूरत होती है। तो अगर आप ज्यादा मोटी सॉल ना लेते हुए आप एक पतली सॉल वाला स्पोर्ट शू लेते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, काफी ब्रांड है। अगर आप नाइकी एडिडास जैसे, काफी इनका जो बजट है वो हाई हो जाता है। इसके अलावा अगर आप बजट में शू लेना चाहते हैं, आपको कैंपस के, सैगा के मिल जाते हैं, क्लेंजी के काफी शू मिल जाते हैं रनिंग के लिए। तो अगर कभी भी आप 100 मीटर से लेकर 1600 मीटर तक आप रेस करना चाहते हैं, चाहे आपने कोई भर्ती देखनी है, अब जो मेन इवेंट होते हैं जैसे 1500 मीटर होगी या 100 200 मीटर, अगर आप प्रोफेशनल एथलीट है तो आप स्पाइक्स यूज करते हो, लेकिन अगर आप कोई भर्ती देखना चाहते हो या स्पाइक्स नहीं पहनना चाहते, 1500 मीटर वगैरह आप करना चाहते हैं, सिर्फ आप स्पोर्ट्स शू लेना चाहते हैं, तो 100 मीटर से लेकर 1600 मीटर तक, 1500 मीटर तक हमेशा आपने सॉल के ऊपर ध्यान देना है। सॉल जो उसकी है वो ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है वो ज्यादा लंबा नहीं होता, आपको स्पीड चाहिए होती है। ठीक है, जैसे 800 मीटर है, 1600 मीटर है, इसमें काफी आपको स्पीड चाहिए, जो आपकी पकड़ है पैर की वो जमीन पर अच्छी होनी चाहिए। इसलिए जितनी ही सॉल पतली होगी उतनी ही अच्छी आपकी स्पीड होगी। ठीक है, ये तो होगी बात 100 मीटर से लेकर 1600 मीटर तक की। उसके बाद हम बात करते हैं जो लंबी रेस होती है, जैसे 5000 मीटर होगी या मैराथन होगी, जैसे 10 किलोमीटर की होगी या 15 किलोमीटर की होगी। उसमें क्या होता है, ये जो शू मैं आपको दिखा रहा हूं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूं, 5000 मीटर होगी, जैसे रोड पर आपने रनिंग करनी है, 5 किलोमीटर रोड पर लग रही है, या मैराथन ज्यादातर जो होती है वो क्या होती है, रोड पर होती है। तो रोड पर भागने से क्या होता है, यहाँ आप 10 10 किलोमीटर चाहे ग्राउंड में भी रनिंग कर रहे हैं, उससे क्या होता है, आपकी जो लेग्स होती हैं वो अनकंफर्ट हो जाती हैं, खिंचाव वगैरह पड़ने लग जाता है या थोड़ा घुटनों में दर्द होने लग जाता है। वो यही होता है कि आपकी जो लेग्स हैं वो अनकंफर्ट हो जाती हैं। उसमें आपने क्या करना है, लंबी दौड़ के लिए अगर आप रोड पर चाहे 5 किलोमीटर कर रहे हैं, अगर आप मैराथन लगा रहे हैं 8 किलोमीटर, 10 15 किलोमीटर की, तो आपने देखा होगा जितने भी बड़े प्रोफेशनल जो एथलीट हैं वो नाइकी वेपर फ्लाई जैसे हो गया, इस तरह के जो शू होते हैं उनकी जो सॉल होती है, ये देखिए इसकी काफी मोटी सॉल है। ठीक है, ये यूज करते हैं। जो लंबी रेस होती है जैसे मैराथन होगी, इसमें 1600 मीटर जितनी तो स्पीड चाहिए नहीं होती, इसमें आपको स्टेमिना चाहिए होता है, आपको इंड्योरेंस चाहिए होती है, क्योंकि काफी आपने लंबा दौड़ना होता है। 1600 मीटर या 800 मीटर होगी, इसमें काफी आपको स्पीड भी साथ में चाहिए होती है। तो जो लंबी रेस होती है जैसे मैराथन होगी, उसमें आप मोटी सॉल वाला शू ले सकते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखें, लंबी रेस के लिए जितनी मोटी आपकी सॉल होगी उतनी ही स्पीड आपकी कम होगी, लेकिन आपकी जो लेग्स हैं वो कंफर्टेबल रहेंगी लंबा दौड़ने के लिए। जितनी आपकी छोटी रेस होगी जैसे 1500 1600, इसमें आपको काफी स्पीड चाहिए होती है, लेकिन आपने ज्यादा लंबा नहीं जाना होता, तो जितनी सॉल पतली होगी उतनी ही ज्यादा आपकी स्पीड रहेगी। और लंबी रेस के लिए या रोड पर 5 किलोमीटर आपने कर रही है, कोई मैराथन करनी है, उसके लिए थोड़ी मोटी सॉल बढ़िया रहेगी, लेकिन जो शू होते हैं वो अच्छी क्वालिटी की वो शू होना चाहिए। इसके नीचे तो ये रबड़ वगैरह नहीं लगी हुई, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ, उसके नीचे रबड़ लगी होती है। जैसे अगर आप सैगा के शू भी लेते हैं 700 800 तक के, या कैंपस के लेते हैं रनिंग के लिए स्पेशल, सैगा तो होता है रनिंग के लिए ज्यादातर, तो उसके नीचे एक रबड़ अलग से लगी होती है। ठीक है, ताकि आपका पैर वगैरह जो है वो स्लिप ना हो, तो इसलिए आपने हमेशा देखना है कि नीचे रबड़ लगी होनी चाहिए शू के नीचे, ताकि आपका पैर वगैरह स्लिप ना हो। मोटी सॉल का शू हमेशा आपने लंबी रेस में ही यूज करना है, और 1600 मीटर 1500 मीटर के लिए आपने पतली सॉल वाला शू यूज करना है।
आपने देखा होगा स्पाइक्स जो होते हैं, स्पाइक्स इसलिए उसकी सॉल पतली होती है ताकि आपकी जो पैर की पकड़ है वो जमीन पर अच्छी रहे, इस वजह से आपकी स्पीड इंक्रीज होती है। ठीक है, लंबी रेस में आपने देखा होगा ज्यादातर स्पोर्ट्स शू यूज होते हैं, वो इसलिए होते हैं ताकि हमारी जो लेग्स हैं वो कंफर्टेबल रहें लंबा दौड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, सिर्फ यही फर्क होता है कि पतली सॉल और मोटी सॉल के लिए। हमेशा लंबी दौड़ के लिए मोटी सॉल वाला ही स्पोर्ट्स शू आप सिलेक्ट कीजिए, कोई भी आप ब्रांड ले सकते हैं। ये नहीं है कि आपने नाइकी एडिडास काफी ऊपर जाना है, अगर आप ले सकते हैं अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कम रेट में आपको सैगा हो गया, क्लेंजी, कैंपस, काफी और ब्रांड आपको मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं, बहुत ही जल्दी नई वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस।